दिनेश विजन के हॉरर यूनिवर्स में बनी फिल्मों को ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। अभी रिसेंटली स्त्री का ट्रेलर आउट हुआ, बैक टू बैक सारे सॉन्ग आउट हुए और 15 अगस्त को स्त्री 2 रिलीज भी होने वाली है। नो डाउट ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है, लेकिन क्या आप इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बनी एक फिल्म के बारे में जानते हैं जिसका अभी फिलहाल इस हॉरर यूनिवर्स में कोई अता पता भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बज़ूका रिव्यू। हम बात कर रहे हैं हॉरर यूनिवर्स में बनी फिल्म रूही की, जिसमें हमें जानवी कपूर नजर आई थी। ये फिल्म ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई, ना ही जानवी की एक्टिंग को अच्छा रिस्पांस मिला था। वो ये हॉरर यूनिवर्स 2018 में स्त्री के साथ साथ स्टार्ट हुआ था और ये यूनिवर्स बहुत ही तेजी से फैंस का फेवरेट बन चुका है। स्त्री के ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस के बाद मेकर्स ने ये भी कह दिया था कि स्त्री 2 आने वाली है, और तो और 2022 में वरुण धवन स्टारर भेड़िया भी आ गई है। इसे भी ऑडियंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद इसी साल हमें शर्वरी वाक मुंजिया भी देखने को मिली, जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। यानी ये सभी फिल्में तो ऑडियंस को खूब पसंद आई ही, बट फिल्म रूही शायद बाहर हो गई। डायरेक्टर हार्दिक मेहता की फिल्म रूही को दिनेश विजन की कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने ही प्रोड्यूस किया था। हाल ही में मिडडे को दिए हुए इंटरव्यू में दिनेश विजन ने ये तो कहा कि रूही उनकी यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो इसका सीक्वल बनाने का सोच भी रहे हैं या नहीं, या फिर रूही इस यूनिवर्स से आउट हो जाएगी। अब तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको ये बता देते हैं कि स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के अलावा आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर भी हॉरर यूनिवर्स में बनने वाली है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच अपडेट्स कीप वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज़।